So we started with methods of preparation of alkenes. जिसमें हमने कल सबसे पहला मेथड किया फ्रॉम द एल्काइल हैलाइड्स, ठीक है, उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, व्हाट वी कॉल्ड दैट रिएक्शन, डीहाइड्रो हैलोजिनेशन। डी का मतलब होता है रिमूवल, हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन और हैलोजिनेशन मींस हैलोजन, ठीक है। तो हमने हाइड्रोजन और हैलोजन को एक साथ क्या किया है, रिमूव किया है, एंड द रिएक्शन इट प्रोसीड्स इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH, ठीक है जी। अब उसके बाद यहाँ पर ये था कि अगर आपके पास कोई एल्कीन है, कोई एल्काइल हैलाइड है, एंड इट कैन रिमूव द हाइड्रोजन हैलाइड इन टू डिफरेंट वेज, ठीक है। कोई भी एल्काइल हैलाइड है उसमें से आप अपना एल्काइल हैलाइड जो है उसमें से आप अपना HX या जो भी हाइड्रोजन हैलाइड है उसको दो वेज से निकाल सकते हो। तो कौन सा वाला जो है हम वो प्रेफर करेंगे, दैट इज अकॉर्डिंग टू द सेट्ज़ीएफ रूल। तो सेट्ज़ीएफ रूल क्या कहता है कि हमने वो वाली एल्कीन को प्रेफर करना है जो ज्यादा क्या है, एल्काइलेटेड है, जिसके दोनों साइड पे एल्काइल ग्रुप्स हों। ये नहीं है कि एक साइड जो है वो ज्यादा भरी हो और दूसरी साइड खाली हो, ठीक है। सो द एल्कीन दैट इज मोर एल्काइलेटेड, दैट एल्कीन विल बी प्रेफर्ड, दैट इज अकॉर्डिंग टू द सेट्ज़ीएफ रूल, ठीक है। 13 नेक्स्ट इज राइट डाउन फ्रॉम द विसिनल डायहैलोजन डेरिवेटिव। From vicinal dihalogen derivatives. तो मैंने आपको कल बताया था दो पोजिशन होती हैं हमारी, vicinal and the geminal positions, ठीक है। जैसे आपने कल लिखा था that was the vicinal position, जब आपके दो अलग अलग कार्बन पे halogens लगे हैं, ठीक है। When you are having carbon atoms that are attached to two different positions, और अगर same positions पे attach हैं बेटा, like this, तो ये कौन से derivatives बन जाते हैं, geminal, ठीक है। ये vicinal derivative हो जाता है and this is geminal derivative, जहां पर दोनों जो हैं वो आपके एक ही कार्बन पे अटैच है, जैसे अल्फा एंड बीटा एलिमिनेशन की थी हमने, ठीक है, तो वैसे ही है ये। चलिए, द रिएक्शन इट विल प्रोसीड विद द विसिनल डेरिवेटिव इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक, तो क्या होगा बेटा, एक Br जो है वो एज इट इज निकल जाएगा, दूसरा अपना बॉन्ड देके जाएगा एंड इट विल बी लीविंग एज बी आर पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका, यू विल बी गेटिंग द एल्कीन सी एच टू एन सी एच टू प्लस जेड एन बी आर, ओके, जेड एन बी आर टू इन द प्रेजेंस ऑफ मिथाइल अल्कोहल यू हैव टू हीट। अब इसका और क्या नाम है, जैसे वो डीहाइड्रो हैलोजिनेशन था, ये क्या है, ऐसे कौन से ग्रुप्स निकल रहे हैं बेटा, हैलोजन, ठीक है। तो वहां पर हमने एक हाइड्रोजन और एक हैलोजन निकाला था, तो हमने डीहाइड्रो हैलोजिनेशन कह दिया था। अब इसका क्या नाम बनेगा, डीहैलोजिनेशन रिएक्शन, ओके। सो दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज डीहैलोजिनेशन रिएक्शन। Okay. Is that clear? Now write down the next type, third reaction, dehydration reaction. The third reaction is dehydration reaction. Now what is the meaning of dehydration?
हाइड्रेशन वर्ड किसके साथ लिंक है? यस, रिमूवल ऑफ वाटर। अब वाटर रिमूव करना है तो यानी कि एक एच रिमूव करना पड़ेगा, एक ओ एच रिमूव करना पड़ेगा, तो हम कौन सा डेरिवेटिव सेलेक्ट करेंगे जिसमें से हम वाटर निकाल लें? स्टार्टिंग क्या प्रोडक्ट लें? स्टार्टिंग में क्या लें जिससे हम वाटर निकाल लें? किसमें एच और ओ एच दोनों होंगे? मिथेनॉल में तो एक ही है, ओ एच आएगा। उसने सही बोला है, बट हम थोड़ा सा हायर डेरिवेटिव ले लेंगे। अल्कोहल्स में इथेनॉल सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है जी। सो द रिएक्शन वी विल बी डूइंग दिस रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ सम अल्कोहल। दिस इज CH3, CH2 एंड OH। ठीक है। सो हीट कर दो इसको। अच्छा, ये कौन सी टाइप की एलिमिनेशन है? अल्फा और बीटा? बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन इज दिस। ठीक है, यहाँ से जो आपका OH है वो ये बॉन्ड लेके जाएगा, जो H है ये H पॉजिटिव निकल जाएगा और यहाँ पर। ठीक है, अगर मैं इस पे अल्फा हाइड्रोजन चलाती तो अल्फा एलिमिनेशन। अल्फा एलिमिनेशन पॉसिबल होनी थी इस पे। एक OH निकालना है, एक H निकालना है, तो आपके पास क्या आ जाना था? बस ये OH निकल जाना था, यहाँ से H भी निकल जाना था। ठीक है, तो व्हाट यू विल बी गेटिंग, अगर आप ये H निकाल देते, ठीक है, तो ये वाला जो बॉन्ड था आप यहाँ पे शिफ्ट कर सकते थे। ठीक है, तो इन बोथ वेज यू कैन प्रोसीड दिस रिएक्शन। अभी हम इस पे बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन चलाएंगे, क्योंकि OH भी एक से जा रहा है और H भी एक से जा रहा है, तो वो स्टेबल नहीं होगा। ठीक है, हम एक H वहां से निकाल देते हैं और एक OH जो है वो यहां से निकाल देते हैं। दिस बॉन्ड विल बी शिफ्टेड हेयर। अगेन यू विल बी गेटिंग CH2 डबल बॉन्ड, CH2 प्लस वाटर। ठीक है जी, तो सबसे सिंपलेस्ट डेरिवेटिव बना है आपका इथीन। नाउ नेक्स्ट राइट डाउन, आप सेम रिएक्शन जो है यू कैन डू दिस रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड ऑल्सो, Al2O3, जिसको आप एलुमिना कहते हो। यू हैव टू हीट इट टिल 630 केल्विन एंड अगेन यू विल बी गेटिंग द एल्कीन and water. Same reaction आप catalyst change करके you can do this reaction with H2SO4 at 400 Kelvin. Again you will be getting alkene. ठीक है जी, so there are number of ways to carry out this reaction. सब में हम स्टार्टिंग प्रोडक्ट सेम ले रहे हैं और बाद में एल्कीन ही बन रहा है हमारा। बस एक में हम सिंपली हीट कर रहे हैं, दूसरे में एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ और तीसरे में सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। ठीक है, नाउ डू द सेम रिएक्शन विद दी, ये कौन सा अल्कोहल है बेटा? प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी? प्राइमरी अल्कोहल है। डू द सेम रिएक्शन विद द टर्शरी एंड द सेकेंडरी अल्कोहल। प्रोपेन टू ऑल लिखो और 2-methyl प्रोपेन टू ऑल लिखो। राइट डाउन प्रोपेन टू ऑल। और नॉमेनक्लेचर भी आपको अभी तक आई नहीं है, मुझे तो ये नहीं समझ आया। डबल बॉन्ड कार्बन लगा रहे हो और उसके साथ CH3 लिख रहे हो।
टेट्रावेलेंट होता है कार्बन, ये आप 10th से भी पढ़ के आते हो, कार्बन इज टेट्रावेलेंट, तो पांच पांच वैलेंसीज क्यों बना रहे हो उसकी? हाँ जी डन, प्रोपेन टू ऑल। प्रोपेन टू ऑल, टू मिथाइल प्रोपेन टू ऑल लिखो। दिवनूर हो गया, टू मिथाइल प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन टू ऑल हो गया, हो गया दीदी, आओ बोर्ड पे। राइट डाउन प्रोपेन टू ऑल और उसमें से डिहाइड्रेशन रिएक्शन कंप्लीट। वो दोनों में सेम बन रहा है, वो आगे फिर डिसाइड होगा सेट जी फूल के अकॉर्डिंग, फिर आपको दोबारा सेट जी फूल देखना पड़ेगा, जो एल्कीन ज्यादा एल्काइलेटेड होगी। अगर तो प्रोपेन तक दोनों डेरिवेटिव सेम बन रहे हैं, जिस मर्जी हाइड्रोजन जो है वो आप रिमूव कर दो, अगर तो दोनों सेम डेरिवेटिव है तो ठीक है, नहीं सेम डेरिवेटिव है फिर आपको सेट जी फूल लगाना पड़ेगा, मतलब टू मिथाइल प्रोपेन टू ऑल। अभी तो सेम ही बन रहा है इसमें, या आप इधर से रिमूव कर लो या इधर से रिमूव करो, दोनों साइड से वन पोजीशन ही आनी है। रीति देखो कार्बन की सारी वैलेंसीज कंप्लीट है। ठीक, हाँ जी दिवनूर आ जाओ। टू मिथाइल प्रोपेन टू ऑल, हाँ जी ठीक है, ओके चलिए। नाउ अगेन वन क्वेश्चन, विच रिएक्शन इंटरमीडिएट विल बी इन्वॉल्व्ड इन दिस रिएक्शन, द रिएक्शन इंटरमीडिएट विच विल बी इन्वॉल्व्ड इन दिस रिएक्शन इज, क्वेश्चन है बेटा आपके लिए, बोलो आंसर। इसमें कौन सा रिएक्शन इंटरमीडिएट इन्वॉल्व होगा?
रिएक्शन इंटरमीडिएट पता क्या होते हैं, कौन कौन से पढ़ के आए हैं हम तीन रिएक्शन इंटरमीडिएट, कार्बोकेटायन, कार्बन आयन एंड फ्री रेडिकल्स। अब आपको क्या लगता है कि इस रिएक्शन में क्या फॉर्म होगा, कार्बोकेटायन फॉर्म होगा, कार्बन आयन फॉर्म होगा या फ्री रेडिकल? आपके बिल्कुल सामने है वो रिएक्शन जिसमें कार्बोकेटायन या कार्बन आयन या फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं। No one? यहां से जब OH जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके जाएगा तो इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा? Whenever the carbon is bearing positive charge, which reaction intermediate is that? कार्बोकेटायन। कार्बन, अच्छा कार्बोकेटायन। ओके, नाउ यू हैव रिटन प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल की रिएक्शन की है और टर्शियरी अल्कोहल की रिएक्शन की है ना आपने? जो मैंने सबसे पहले लिखी थी वो प्राइमरी अल्कोहल की थी, यही लिखी थी आपने। अब इसमें से जो है वो कौन सी रिएक्शन फास्ट होगी? कौन सी रिएक्शन जो है वो जल्दी होगी, विद हायर ईज होगी? कौन सी वाली? प्राइमरी वाली क्यों होगी? प्राइमरी कार्बोकेटायन स्टेबल है। इस प्राइमरी कार्बोकेटायन स्टेबल टर्शियरी, तो जो टर्शियरी वाली रिएक्शन है डैट रिएक्शन इट विल बी डन विद मोर ईज एज कंपेयर टू द सेकेंडरी एंड द प्राइमरी, क्योंकि टर्शियरी वाली रिएक्शन में टर्शियरी कार्बोकेटायन बनेगा यहां से, ठीक है, और टर्शियरी कार्बोकेटायन जो होते हैं वो ज्यादा स्टेबल है, तो वो कह रहा है कि मैं जल्दी OH जो ग्रुप है उसको रिलीज करके ज्यादा स्टेबिलिटी एक्वायर करूं, ठीक है, इसीलिए जो OH है वो टर्शरी में से सबसे पहले जो है वो रिमूव होगा एंड दिस लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ टर्शरी कार्बोकेटायन, ठीक है, ये जो OH ग्रुप है ये निकल जाएगा एंड हेयर यू विल बी गेटिंग अ कार्बोकेटायन दैट इज बेयरिंग अ पॉजिटिव, ठीक है। सेकेंड रिएक्शन में जब ये जाएगा तो दिस कार्बोकेटायन सिंस दिस इज अटैच्ड टू टू अदर कार्बन, ठीक है, सो दैट इज द सेकेंडरी कार्बोकेटायन, और यहां पर दिस इज द प्राइमरी हाइड्रोजन बाद में निकलेगा ना, एलिमिनेशन रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक की, सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल जो है वो बाहर जाएगा, न्यूक्लियोफाइल एज OH नेगेटिव आयन बाहर जाएगा, ठीक है, फिर क्योंकि कार्बोकेटायन फॉर्म होगा, अब कार्बोकेटायन कार्बन क्या कह रहा है मेरे ऊपर पॉजिटिव चार्ज है डैट विल नॉट बी बेयर्ड बाय द कार्बन, तो अपना एक हाइड्रोजन जो है फिर वो रिमूव करेगा इन ऑर्डर टू गेट स्टेबल, ठीक है, सो इस तरह ये जो रिएक्शन है दैट विल बी प्रोसीड, सो द रिएक्शन इंटरमीडिएट इन्वॉल्व इन दिस रिएक्शन विल बी कार्बोकेटायन, ओके, सो राइट डाउन, तो ऑर्डर ऑफ एसिडिक डिहाइड्रेशन क्या हो गया अब आपका, क्योंकि इसमें एसिडिक डिहाइड्रेशन जो है वो जल्दी होगी, हाँ जी बेटा, किसमें एसिडिक हाइड्रेशन जल्दी होगी, टर्शियरी कार्बोकेटायन पहले बनेगा फिर सेकेंडरी और फिर, ठीक है, तो टर्शियरी अल्कोहल्स जो हैं वो जल्दी रिमूव करेंगे एज कंपेयर टू सेकेंडरी एज कंपेयर टू द प्राइमरी अल्कोहल्स, ओके, सो दैट इज द ऑर्डर ऑफ एसिडिक डिहाइड्रेशन, एनी डाउट टू एनीवन टिल नाउ, क्लियर है, चलिए नेक्स्ट राइट डाउन, preparation from alkynes, next is the preparation from alkynes, now this reaction is very very important, ठीक है, क्योंकि नेमिंग रिएक्शंस है और नेमिंग रिएक्शंस हमेशा इंपॉर्टेंट होती है, राइट, सो फ्रॉम द एल्काइन्स, अब ये जो रिएक्शन है ये दो तरह से प्रोसीड होती है, सो राइट डाउन फर्स्टली एल्काइन्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू एल्कीन्स
alkynes can be converted into alkenes in a very controlled way. In a very controlled way. Hydrogenation reaction hai in a very controlled way. अब क्यों कंट्रोल करते हैं हम इस रिएक्शन को, सुन लो पहले. सिंपल हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी, याद है? हाइड्रोजनेशन रिएक्शन हमने सबसे पहले की थी जिसमें हम एल्कीन्स से जो थे वो एल्केन्स बना रहे थे. ठीक है, क्या थी हाइड्रोजनेशन रिएक्शन का दूसरा नाम? अदर नेम ऑफ हाइड्रोजनेशन रिएक्शन जिसकी एप्लीकेशन मैंने बताई थी, वेजिटेबल ऑयल्स को कन्वर्ट करते हैं वनस्पति घी में, वो तो हाइड्रोजनेशन है. हाइड्रोजनेशन तो मैंने बता दी. एक और नेमिंग रिएक्शन थी एस से कुछ, सबेटियस एंड्रेंस रिएक्शन थी. उसमें आप क्या कर रहे थे? आप एल्कीन्स को हाइड्रोजनेट कर रहे थे एंड देवर गेटिंग कन्वर्टेड इनटू एल्केन्स. ठीक है, सेम आपने एल्काइन्स के साथ भी किया था. एल्काइन्स के साथ भी मैंने आपको ये रिएक्शन करवाई थी जहां पर हम एल्काइन्स की दो बरी जो है वो हाइड्रोजनेशन करके एल्केन्स बना रहे हैं. ठीक है, अब यहां पर हमने क्या करना है? वी हैव टू स्टॉप. सी, एल्काइन्स की हाइड्रोजनेशन करोगे वो एल्कीन्स बनेंगे, एल्कीन्स की हाइड्रोजनेशन करोगे तो वो आपको एल्केन्स देंगे. यही है. अब मुझे स्टॉप होना है इस स्टेप पे, मैंने रुकना है. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर मैं बहुत ज्यादा एक्सेस में हाइड्रोजन जो है वो ऐड कर दूंगी तो ये जो रिएक्शन है ये सीधा एल्काइन से मुझे क्या दे देगी? एल्केन्स दे देगी. बट आई हैव टू स्टॉप हेयर एट द एल्केन्स. तो इसीलिए ये जो रिएक्शन है ये थोड़ी सी कंट्रोल्ड वे में की जाती है. दिस रिएक्शन इट इज डन इन अ वेरी कंट्रोल्ड वे, सो दैट इज नोन एज द कंट्रोल्ड रिडक्शन मेथड. ठीक है, अब कंट्रोलिंग के लिए हमें क्या करना पड़ता है? वी आर हैविंग टू टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट. ठीक है, और दो नेमिंग रिएक्शन है, दो तरह के कैटलिस्ट यूज करेंगे. एक में हम क्या करते हैं, हम थोड़ी पॉइजनिंग करते हैं सल्फर की, जिससे क्या हो कि ये जो रिएक्शन है वो एल्कीन्स तक ही रुक जाए, उसके आगे ना जाए. ओके, सो दिस इज द मेथड इन विच वी आर डूइंग द कंट्रोल्ड रिडक्शन ऑफ एल्काइन्स टू एल्कीन्स ओनली, ताकि जो रिएक्शन है वो आगे फॉरवर्ड ना हो एल्केन्स तक. ठीक है, अब दूसरा, इस रिएक्शन को आपने दो पार्ट्स में डिवाइड करना है. वन इज विद द लिंडलार कैटलिस्ट, या लिंडलार्स रिएक्शन भी कह देते हैं. हेयर द कैटलिस्ट है, तो क्या क्या चीजें हम इसमें यूज कर रहे हैं? दिस इज पैलेडियम विद बेरियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट भी ले सकते हैं हम. ओके, लिंडलार कैटलिस्ट क्या है? दिस इज द पैलेडियम विद बेरियम सल्फेट. यू कैन टेक कैल्शियम कार्बोनेट ऑल्सो इंस्टेड ऑफ बेरियम सल्फेट, यू कैन टेक कैल्शियम कार्बोनेट ऑल्सो. एज आई टोल्ड यू दैट वी हैव टू डू सम पॉइजनिंग, पॉइजनिंग करनी पड़ेगी ताकि जो रिएक्शन है वो एल्कीन्स तक स्टॉप हो जाए, आगे रिएक्शन जो है वो प्रोसीड ना हो. ठीक है, तो हम पॉइजनिंग किसके साथ करते हैं? सल्फर के साथ. पॉइजन्ड विद सल्फर, दैट इज एक्चुअली द लिंडलार कैटलिस्ट. दैट इज लिंडलार कैटलिस्ट. And whenever the reaction is done with the Lindlar catalyst, we will be getting the cis alkene. अब ये बात भी आपने याद रखनी. Whenever we are doing this reaction with the Lindlar catalyst, you will only get the cis alkene. ठीक है जी, समझ आया? करें start. तो इसको हम सिस एडिशन भी कह देते हैं. दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज सिस एडिशन रिएक्शन. देखिए, सबसे सिंपलेस्ट एल्कीन एल्काइन लेते हैं, यही होगी. दिस इज द सिंपलेस्ट एल्काइन, यही है सिंपलेस्ट. इसकी मैं क्या कर रही हूं? हाइड्रोजनेशन.
इन द प्रेजेंस ऑफ लैंडलार कैटलिस्ट पैलेडियम विद द बेरियम सल्फेट एंड पॉइजनिंग विद सल्फर. ओके As I told you, you will be getting the cis alkene, cis addition है. तो cis में क्या करेंगे हम पहले carbon carbon double bond बना लेते हैं. हाँ जी side वाले दो कौन से groups हैं हमारे पास लगाने को? Which are the two groups that are going to attach? एक methyl group है और दूसरा hydrogen है. ठीक है अगर cis derivative चाहिए तो that means दोनों मिथाइल ग्रुप या तो ऊपर हो या नीचे हो या दोनों इस साइड हो या दोनों उस साइड हो. ठीक है और दोनों जो है वो यहाँ पर हाइड्रोजन होना चाहिए. सो दैट इज सिस ब्यूटूइन, दैट इज सिस ब्यूटूइन. यही बना ब्यूटूइन ही बना ना विद सिस डेरिवेटिव. आप सल्फर की बजाय क्यूनोलीन भी ले सकते हो बेटा. ओके पॉइजनिंग विद सल्फर आइदर और पॉइजनिंग विद क्यूनोलीन आइदर. तो दोनों में से आप कुछ भी प्रेफर कर सकते हैं. इज दैट क्लियर? चलिए इसी में ही सेकंड जो है वो मैंने आपको बताई, इसी में ही सेकंड है दैट इज बिर्च रिडक्शन. बिर्च रिडक्शन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बिर्च रिडक्शन इसमें जो आप कैटलिस्ट यूज करते हो दैट इज सोडियम विद लिक्विड अमोनियम. Here the catalyst that we are using is sodium with liquid ammonia. Okay. अगर उसमें cis बना था तो यहाँ पे क्या बनेगा? So this type of addition is trans addition. बनाओ trans product और answer दो मुझे. सेम पे सेम पर ही आपने ट्रांस प्रोडक्ट देना है मुझे. हाँ जी डन कर लिया हुआ है. तो क्या किया हमने यहाँ पे एक हाइड्रोजन कर देते हैं और यहाँ पर एक सी एच थ्री ग्रुप कर देते हैं. यही किया दैट इज द ट्रांस एल्कीन. ओके सो दिस इज अबाउट द प्रेपरेशन फ्रॉम द एल्काइन्स. ओके तो एल्काइन से हम दो वे से प्रिपेयर करते हैं, आइदर बाय यूजिंग द लैंडलार कैटलिस्ट और आइदर बाय यूजिंग द बिर्च रिडक्शन मेथड. जिसमें हमने करना क्या है, हमने हाइड्रोजन ही ऐड करनी है बट द रिएक्शन इज डन इन अ वेरी कंट्रोल्ड वे सो दैट वी कैन ओनली गेट एल्कीन्स फ्रॉम द एल्काइन्स एंड नॉट एल्केन्स. हमें इस स्टेप पे एल्केन्स नहीं चाहिए. ठीक है तो इसीलिए कंट्रोल्ड रिडक्शन की जाती है एंड कंट्रोल्ड रिडक्शन में दो कैटलिस्ट हैं, लैंडलार कैटलिस्ट एंड बिर्च रिडक्शन कैटलिस्ट. ठीक है बिर्च रिडक्शन में सोडियम विद लिक्विड अमोनिया है और लैंडलार कैटलिस्ट में पैलेडियम विद बेरियम सल्फेट. यू कैन ऑल्सो यूज कैल्शियम कार्बोनेट विद द बेरियम सल्फेट. ठीक है पैलेडियम बेरियम सल्फेट या पैलेडियम कैल्शियम कार्बोनेट का भी कॉम्बिनेशन आप ले सकते हो अलॉन्ग विद सम पॉइजनिंग विद सल्फर और क्यूनोलिन. ठीक है